तो एक भाई हैं खुशबुद्दीन भाई, तो उन्होंने ये मशीन खरीदी है जो यूपी में श्रावस्ती जिले के रहने वाले हैं, और गाड़ी इन्होंने खरीदी है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट आनंद नगर फारिंदा। और मलकीत एक ऐसा ब्रांड है कि इसकी जो कंपनी में है हमेशा स्टॉक में इसके पास जो है मशीन अवेलेबल रहती है। BS4 इंजन है 133 हॉर्स पावर का, तो वो इंजन जो है इसमें जो है मलकीत में तय हुआ कि इस इंजन पे ही मिलेगी। इस पर जो लोन हुआ है वो 10 लाख रुपए का भाई ने लोन कराया, तो टोटल मिलाकर के 26,53,000 रुपए जो है टोटल हुए। तो 16,53,000 रुपए जो है वो भाई ने घर से अरेंजमेंट किया, ये लगभग 27,24,281 रुपए की टोटल पड़ी। बस आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, मेहनत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें लगना पड़ेगा रेगुलर। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑल राउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं, जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी देखिए कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो मलकीत 997 जो 2024 में अभी एक भाई ने परचेज की है, तो वो कितने की पड़ेगी और कितना उन्हें डाउन पेमेंट उन्होंने दिया और लोन का क्या प्रोसेस था, कितने का लोन कराया, और सारी चीजें जब होने के बाद जब लोन वोन सब निपट जाएगा तो उसके बाद वो कंबाइन हार्वेस्टर कितने रुपए की पड़ेगी, तो आज इससे रिलेटेड ही पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। और देखा होगा जैसे हमने पीछे विशाल डाला था, तो विशाल का जो एक भाई ने परचेज की थी तो उनकी डिटेल डाली थी, तो उसमें सारा बिल्कुल डिटेल से बताया था। इसी तरह से आज मलकीत का भी बताएंगे कि मलकीत 997 2024 में कितने रुपए की पड़ेगी। तो एक भाई हैं खुशबुद्दीन भाई, तो उन्होंने ये मशीन खरीदी है जो यूपी में श्रावस्ती जिले के रहने वाले हैं, और गाड़ी इन्होंने खरीदी है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट आनंद नगर फारिंदा से। तो वहां पर जो है वो मलकीत की डीलरशिप है, वहां पर स्टॉक में भी उनके पास गाड़ी रहती है मलकीत की, तो वहां से इन्होंने जो है मशीन परचेज की है। और मलकीत एक ऐसा ब्रांड है कि इसकी जो कंपनी में है हमेशा स्टॉक में इसके पास जो है मशीन अवेलेबल रहती हैं। आप जितनी चाहे मशीन एक ही टाइम में आप ले सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इनका एवरी टाइम इनके यहाँ मशीन अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस कंबाइन से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड और ट्रैक्टर से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, तो सब एकदम ऑथेंटिक और इन वीडियोस हम अपने चैनल पर लेकर के आते हैं और ज्यादातर भाई लोगों को पसंद भी आती हैं, तो और भी अच्छी अच्छी इन फ्यूचर हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो देखिए जैसे उन्होंने खुशबुद्दीन भाई ने बताया कि डीलर से जो है उनकी बार्गेनिंग चली, काफी दिन जो है बार्गेनिंग चली, और बार्गेनिंग के बाद जब प्राइस निकल करके आया मशीन का तो वो जो प्राइस था वो 26,40,000 रुपए में ही वहां बार्गेनिंग हुई, लेकिन मलकीत में डीलरशिप ने कुछ चीजें उसमें इंक्लूड कर दी थी। तो अभी 1x1 वीडियो में आगे बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उसमें जो है वो 26,40,000 जो है मलकीत 997 जो सिंपल मॉडल आता है उसकी बार्गेनिंग के बाद ये प्राइस सेट हुए, जिसमें कि ये BS4 इंजन जो है इसके अंदर जो अभी न्यूली लॉन्च्ड BS4 इंजन है 133 हॉर्स पावर का, तो वो इंजन जो है इसमें जो है मलकीत में तय हुआ कि इस इंजन पे ही मिलेगी। देखिए मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर अब इसी इंजन पे मिलेंगी, क्योंकि अब BS3 बंद हो चुका है, वो आपको नहीं मिलेगा, तो अब ज्यादातर BS4 पे ही कंबाइन हार्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए अब बात कर लेते हैं जो कंपनी को हमें पैसा देना पड़ा, जैसे कि मतलब जो कंपनी का जो खर्च था टोटल उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को सिर्फ 26,40,000 रुपए ही हमें डीलर को पे करने थे जैसा उन्होंने बताया, और उसमें जो है रजिस्ट्रेशन भी शामिल था वो भी इंक्लूड है, प्लस होम डिलीवरी का भी इंक्लूड था, लाने का कोई खर्च नहीं था, डीलर ने खुद से मंगवा करके दी है गाड़ी। मतलब तो जो कंपनी को पे करना था, जो डीलर को हमें पे करना था, वो सिर्फ 26,40,000 रुपए पे करना था। तो ये तो टोटल कंपनी का खर्च है। अब बात कर लेते थे लोन की। तो देखिए लोन जो कराया था भाई ने वो HDFC बैंक से लोन कराया था, तो इस पर जो लोन हुआ है वो 10 लाख रुपए का भाई ने लोन कराया, और जिसका इंटरेस्ट जो है वो 6.7% इंटरेस्ट रेट जो है बैंक ने इस पर लगाया। तो इस लोन का जो टेन्योर भाई ने रखवाया था वो 2 साल का टेन्योर भाई ने जो है कहा कि 2 साल के टेन्योर के लिए हमें जो है 10 लाख रुपए चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की।
तो प्रोसेसिंग फीस, जैसे कि भाई ने बताया प्रोसेसिंग फीस उसमें ली गई थी इनसे, तो वो लगभग 1.3% के करीब में जो है प्रोसेसिंग फीस ली गई थी। तो 10 लाख पे लगभग 13,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस बैंक की बनी। तो भाई ने जो ईएमआई इसकी बनवाई थी वो तिमाही की ईएमआई बनवाई थी, मतलब 3 मंथ्स की, पर मंथ की ना बनवा करके। कुछ लोग देखिए पर मंथ की बनवाते हैं, कुछ 3 महीने की बनवाते हैं और कुछ 6 महीने की भी बनवाते हैं। तो भाई ने जो है वो तिमाही की ईएमआई बनवाई थी 3 महीने की। तो जो ईएमआई इनकी बनकर के आई वो 1,33,911 रुपए निकल करके आई, जो इन्हें 3 महीने में, हर 3 महीने में इन्हें जमा करने हैं 2 साल तक। तो दोस्तों ये तो बात हो गई, अब एक तो हो गई कंपनी की कि कंपनी को कितने देने हैं, प्लस लोन जो कराया है उसका खर्च और लोन कितने का लिया। तो ये तो यहाँ पर इसकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जब ये सब चीज होने के बाद हमें घर से कितने डालने पड़े, मतलब जो भाई को घर से कितने डालने पड़े। तो देखिए मशीन का जो प्राइस है वो 26,40,000 रुपए, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी इंक्लूड है, और लोन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 13,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर के 26,53,000 रुपए जो है टोटल हुए। अब जब लोन 10 लाख रुपए का कराया है तो अब इसमें से जो है ये 10 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो 16,53,000 रुपए जो है वो भाई ने घर से अरेंजमेंट किया, एक तरह से ये डाउन पेमेंट भाई ने दिया। तो देखिए ये लगभग 16.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट भाई ने घर से किया। तो ये सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि देखिए लोन में अपना जो इंटरेस्ट वगैरह है वो थोड़ा ज्यादा ना जाए, और कम टेन्यूर का रखा और ईएमआई ज्यादा बनवा ली। तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि ईएमआई को कम करा देते हैं, टेन्यूर लंबा करा लेते हैं, तो फिर उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई ने जो है इंटरेस्ट भी कम देना पड़े और टेन्यूर भी कम हो, तो देखिए इसलिए जो है इन्हें ज्यादा पैसे घर से लगाने पड़े 16.5 लाख के करीब में। तो ये तो घर से लगाने की बात हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जब ये पूरा 2 साल बाद बिल्कुल सब सिस्टम कंप्लीट होगा, मैं मशीन के और घर से जो लगाए और जो लोन के हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, तो ये फिर मशीन कितने रुपए की 2 साल बाद पड़ेगी, क्योंकि देना तो हमें ही है। अब वो चाहे हम 2 साल में लोन को दे रहे हैं या 1 साल में दे रहे हैं या 7 साल में दे रहे हैं, वो देना तो हमें ही है। तो खर्च तो हमें ही जोड़ना पड़ेगा कि हमने इस मशीन का कितना पे किया। तो देखिए 10 लाख पे जो इंटरेस्ट टोटल निकल करके आता है 2 साल में वो 71,281 रुपए निकल करके आते हैं। तो टोटल अमाउंट जो हुआ लोन का वो 10,71,281 रुपए हुए, मतलब ये तो लोन का इतना जाना है। प्लस अब घर से जो अरेंजमेंट किया था वो 16,53,000 रुपए का किया था। तो टोटल मिलाकर के दोनों को जो लोन अमाउंट है और जो घर से अरेंजमेंट किया उसका अमाउंट मिलाकर के ये 27,24,281 रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी टोटल। अब ये 2024 में जब कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी है तो ये 26 में जाकर के कंप्लीट होगा इसका सब कुछ, तो ये लगभग 27,24,281 रुपए की टोटल पड़ेगी। तो भी ज्यादा नहीं है क्योंकि भाई ने जो है एक तो ईएमआई बढ़वा रखी है, तिमाही की ईएमआई करवा करके, और उसे टेन्यूर उसका कम कर रखा है, बहुत 2 साल का कर रखा है। तो भी ज्यादा की नहीं पड़ेगी, 70-75 हजार रुपए अगर लोन के इंटरेस्ट के देने पड़ रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन फिर एक थोड़ा सा भाई के ऊपर जिम्मेदारी ये आ जाएगी कि तिमाही में जो इनकी ईएमआई है वो ईएमआई मेरे ख्याल से ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि 3 महीने में थोड़ा पॉसिबल नहीं बैठती है ये चीजें। क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर लगभग 6 महीने में ही नंबर आता है, वैसे तो चलती है और चीजें भी काटती है, लेकिन इतना बड़ा जो है हो नहीं पाता है। लेकिन ठीक है भाई ने होगा कि जल्दी से हमें इंटरेस्ट कम देना पड़े, जल्दी से पेमेंट हो जाए। देखिए होता है कुछ लोग कर लेते हैं ऐसा, और कुछ लोग कैश में भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, तो सही रहता है। थोड़ा एक तो वर्डन कम आता है, शुरू में ऐसा लगेगा कि हाँ अभी हमें कुछ नहीं बच रहा, लेकिन बाद में वो उस चीज के फायदे दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल में मशीन नई की नई रहेगी, इतनी पुरानी भी नहीं होगी, और फिर उन्हें बचत दिखाई देगी। शुरू में अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी ईएमआई ज्यादा है, बड़ी है, तो अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जो है सब एडजस्ट हो जाएगा और वो सही लगेगा। और फिर मशीन की कीमत भी ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मशीनों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो मशीन की कीमत ऐसा नहीं है एकदम इतनी घट जाएगी। तो काफी अच्छा डिसीजन जो है, मुझे लगा ऐसा कि भाई ने अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि वो नहीं कर सकते 16.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट, और इतनी ईएमआई भी वो नहीं कर सकते, तो वो ज्यादा भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको घर से कुछ नहीं देना पड़ रहा इतना ज्यादा, मशीन खुद से ही अपना कर लेती है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। मेहनत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें लगना पड़ेगा रेगुलर, तब कहीं कुछ निकल करके आता है। तो दोस्तों ये हुई मलकीत 997 की बात, जो 2024 में जितने रुपए की पड़ेगी और एक भाई ने खरीदी है, तो उनकी पूरी एक डिटेल है, और इसी तरह की वीडियो हम आगे भी ले करके आएंगे कि कैसे कैसे कितने की पड़ेगी और क्या सिस्टम रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।